है कि एक शख्स जो ईमान लाता है, वो ईमान के बाद में उसके कुछ तकाजे होते हैं, और एक इंसान, कोई भी इंसान हो, उसके लिए जरूरी है कि वो सही क्या गलत क्या है वो समझे। दरअसल आपके और आपके रिएक्शन से मुझे ऐसा लगा कि आप ये समझ बैठे हैं कि मैं कहता हूं कि शायरी सरासर गलत है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक मिसाल के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूंगा। क्यों मन्नते मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। अब हम देखते हैं कि कई बार शायरी कोई एक अच्छी सही बात को सोचने पर लोगों को उभारती है, कई बार हम देखते हैं कि अमल की तरफ आगे बढ़ाती है। बड़ी अजीब है नादां दिल की ख्वाहिश या रब, अमल कुछ नहीं और दिल तलबगार है जन्नत का। अब जैसे उभार रहा है ये अमल की तरफ। मिट जाए गुनाह का तसव्वुर ही जहन से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत सारी अच्छी शायरी होती है, जो माहिरीन फन, जो आपने कहा कि शायरी एक आर्ट है, और वो आर्ट के तौर पर एक अच्छा मैसेज जो किसी के बिलीफ को सुधारने या उसके अमल को सुधारने या उसके अंदर एक एहसास पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब शायरी बेलगाम हो जाती है या शायरी के पास एक वो पर्सपेक्टिव ना हो जिसे हम ईमान कहते हैं, जिसके तहत एक इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने और पहचान कर उसके दायरे में, उसके हुक्मों के दायरे में रहने के लिए तैयार हो जाए, और वो दायरे में रहकर वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तो अगर वो दायरा नहीं मौजूद है तो बहुत सारे इसके खतरनाक चीज हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जो ऑब्सिनिटी हमारे माशरे में फैली, और हालांकि आपने डिफर किया, लेकिन मैं फिर अपनी बात को इस चीज में रिट्रेट करता हूं कि हम देखते हैं कि बहुत सारी शायरी जमाने से जो चलती आई है, जो लोगों की हिम्मतों को खोलने में एक जरिया है, ऑफकोर्स फिल्में भी एक जरिया है, माशरे के ने फैली हुई कई चीजें हैं, लेकिन शायरी में क्या बात होती है, जैसे फिल्मों में बात होती है कि फिल्म में आदमी कोई चीज बता दिया जाए और आदमी ये देखता है ये तो हकीकत नहीं है, ये फिल्म है। उसी तरह शायरी के अंदर कोई चीज है, ये तो शायरी है। अब एक इंसान एक बात को शायरी के तौर पर सुनता है, फिर एक वक्त आता है कि वो उस चीज पर खुद अमल भी करता है। वो चीज जो होती है, वो चीज के लिए माइंड उसका ओपन अप कैसे हुआ, वो ओपन अप होने में शायरी एक जरिया बन जाती। तो इसके खतरे को पहचानना भी बहुत जरूरी है, दोनों के लिए, शायर के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। कि कई बार जैसा ऐसा होता है कि एक हीरो पर्सनैलिटी, एक इस तरह का एक रेवरेंस जहन में आ जाता है कि जहां गलती भी गलती नहीं दिखती है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें ये बात को समझना है कि कोई इंसान कोई बात कह रहा है जिसके अंदर, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, वो बात गलत हो, वो इम्कान बाकी रहता है, क्योंकि इंसान कुल इब्न आदम खता, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारी आदम की औलादों से खताएं होती है, खता करने वालों में सबसे अच्छे वो होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मिसाल और नमूना हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और कहा कि इन्हें कॉपी करो। बाकी यहाँ क्या होता है कि अक्सर जो शायरी का फैसिनेशन रखते हैं, वो उन शायरों को एक ऐसा मकाम दे देते हैं जहां उनकी गलत बात का भी कोई सही होने का बहाना ढूंढने लगते हैं। मेरा ऐसा ये कहना है, एक ऑब्जेक्टिविटी का डिमांड ये है कि हम अच्छी बातों को सराहेंगे, मानेंगे, लेकिन जहां कोई कमी आएगी वहां उसी काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ हम उस बात को छोड़ भी देंगे। यही एक सही स्पिरिट।